वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले दवलामेटी में एक युवक ने प्रेमिका ने शादी नहीं करने से आहत होकर खुदकुशी करने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रामजी नगर आठवां महल दवलामेटी निवासी आकाश अरुण बोदले उम्र 28 बताया गया। आकाश का प्रेम दवलामेटी के ही एक लड़की से 3 से 4 वर्ष से प्रेम प्रकरण चल रहा था। आकाश लड़की के घर मंगनी लेकर गया, लेकिन उसे वहां पर मना कर पीट कर मारने की धमकी देकर भगा दिया। इसे आहत होकर आकाश ने सोमवार की मध्यरात्रि में घर के स्टोर रूम में नायलॉन की रस्सी से पंखे को गले का फंदा लगाकर खुदकुशी की। एक सुसाइड नोट भी लिखकर रखने की जानकारी प्राप्त है। चिट्ठी में क्या लिखा है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि आकाश 9 मार्च को प्रेमिका के घर गया था। उसने प्रेमिका के पिता को शादी की मांग की, लेकिन प्रेमिका के पिता ने आकाश को मारा। यह मामला वाड़ी थाने में भी पहुंचा था, लेकिन दोनों पार्टी में समझौता होने से शिकायत दर्ज नहीं हुई। पिता के विरोध के चलते जब प्रेमिका नहीं मिल रही, यह बात पक्की होने पर ही आकाश ने खुद को खत्म करने का निर्णय लिया। यह जानकारी आकाश के भाभी ने दी है। आकाश अपने कमरे से होकर स्टोर रूम गया, वो वहीं पर फांसी का फंदा लगाया। रात में पड़ोसी के घर के खिड़की से आकाश के घर की खिड़की खुली होने से मामला सुबह 4 बजे के दौरान दिखाई दिया। पड़ोसी ने यह जानकारी आकाश के भाई भाभी को दी। आकाश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ठेकेदारी में नौकरी करता था। उसने फांसी लगाने के लिए एक हार्डवेयर से रस्सी खरीद ली थी। अब चिट्ठी में आत्महत्या का क्या राज है, यह तो पुलिस के जांच में ही पता चल पाएगा। घटना की जानकारी वाड़ी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया। आगे की कार्रवाई वाड़ी पुलिस कर रही है। प्रेम प्रकरण को लेकर वाड़ी पुलिस में दवलामेटी कई एक माह में दूसरी घटना है। इसके पहले एक लड़की ने भी खुदकुशी की। प्रेमी प्रेमिका के प्रकरण में अब जान पर तुले जा रहे हैं। आकाश के आत्महत्या को लेकर भाई भाभी परेशान है। भाई को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की जानकारी मृतक के भाई ने दी है। आकाश के साथ उसके प्रेमिका का प्रेम था। जब आकाश का शव घर पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, तब उसकी प्रेमिका उसे आखिरी बार मिलने के लिए घर से निकली, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे शव के पास जाने से रोका। प्रेमिका मिलने के लिए ज्यादा ही तरस रही थी, तब उसे घर के कमरे में बंद करने की जानकारी घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने दी। इन बीसीएन के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।